फ्राइडे फेबल्स में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आज के इस सत्र में हम भीष्म साहनी की कहानी पढ़ेंगे लेकिन कहानी पढ़ने से पहले हम भीष्म साहनी के जीवन और भीष्म साहनी के साहित्य के बारे में थोड़ा सा परिचय पाने की कोशिश करेंगे प्यारे दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको भीष्म साहनी के बारे में पहले से भी कुछ पता होगा लेकिन मैं फिर भी आपको उनका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ कि भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के बहुत प्रख्यात बहुत मशहूर और लोकप्रिय लेखक हैं एक उपन्यास उपन्यासकार के रूप में और कहानियों के रूप में और अपनी अन्य गतिविधियों के कारण भी भीष्म साहनी का जन्म 1911 में रावलपिंडी में हुआ और उसके बाद वो 1947 में पार्टीशन के दौरान भारत आ गए आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि लाहौर कॉलेज में पढ़ने के बाद उन्होंने आप ही के शहर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पीएचडी की डिग्री ली और उसके बाद वो लगातार लिखते रहे और राजनीतिक रूप से भी बहुत सक्रिय रहे पाकिस्तान से आकर रावलपिंडी से आकर उन्होंने यहाँ पर रिफ्यूजीज को के पुनर्वास के लिए उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए बहुत संघर्ष किया कांग्रेस पार्टी के साथ भी जुड़े रहे और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी सक्रियता के उस घेरे को बहुत विशाल भी किया मुझे यकीन है कि थिएटर पढ़ने वाले और थिएटर करने वाले स्टूडेंट्स को इब्टा के बारे में पता होगा इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन साहनी उस संस्था के साथ भी जुड़े रहे जो कि मूल रूप से लोक पक्षीय थिएटर था ये वो लोग थे जिन्होंने आजादी के आंदोलन में नाटक और साहित्य की क्या भूमिका हो सकती है उस उद्देश्य को लेकर इब्टा की स्थापना की थी तो भीष्म साहनी इप्टा के साथ भी जुड़े रहे और फिर धीरे धीरे करके उनके विचारों में परिवर्तन आया और वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी जुड़े रहे और फिर बॉम्बे में बहुत साल रहने के बाद वे दोबारा पंजाब आए क्योंकि वो मूल रूप से पंजाबी थे और यहाँ पर आकर उन्होंने अम्बाला और अमृतसर में बतौर लेक्चरर नौकरी भी की और फिर उसके बाद अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वो जब तक वो काम करते रहे यानी जब तक वो नौकरी करते रहे फिर उन्होंने दिल्ली कॉलेज जिसको कि अभी जाकिर हुसैन कॉलेज कहा जाता है वहां पर भी कुछ वर्षों के लिए अध्यापन किया और और फिर आपको ये भी शायद इनके बारे में बात पता ही होगी कि बॉलीवुड के हिंदी सिनेमा के एक बहुत मशहूर अभिनेता और जो पंजाब चिंतन भी करते रहे भारतीय चिंतन में भी जो रथ रहे बलाक साहनी भी उनके भाई हैं मुख्य रूप से उन्होंने उपन्यास लिखे जिसमें से आप शायद तमस के बारे में आप सब लोग जानते होंगे क्योंकि तमस के ऊपर टेलीविजन सीरीज भी बनाई गई इसके अलावा उनके उनके उपन्यास कुंतो मैया दास की माड़ी नीलू नीलिमा नीलोफर ये भी बहुत मकबूल हुए उसके अलावा उन्होंने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी माय ब्रदर बलराज और इसके अलावा कुछ बाल साहित्य भी तो एक और उनकी सक्रियता एक और उनकी गतिविधि जिनसे मैं चाहूँगी कि हमारे स्टूडेंट्स को जरूर पता होना चाहिए कि एक भारत में एक बहुत ही क्रांतिकारी समाज सुधारक सफदर हाशमी जिनको कि जिनका कि कत्ल कर दिया गया था और वो उन्होंने नुक्कड़ नाटक की परंपरा को भारत में बहुत प्रोत्साहित किया लोक पक्षीय थिएटर को बहुत प्रमोट किया उनके हत्या के बाद भीष्म साहनी ने उनकी स्मृति में और उनकी 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 उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए सहमत नाम से भी उनकी याद में एक संस्था शुरू की उनके योगदान के लिए उनको भारत सरकार से पद्म भूषण भी मिला और अन्य बहुत सारे पुरस्कार मिले जिसका ब्यौरा आप इंटरनेट में पढ़ सकते हैं और उनकी अन्य किताबें भी पढ़ सकते हैं तो मेरे ख्याल से अब हमें भीष्म साहनी की कहानी पढ़ने की ओर बढ़ना चाहिए हम कहानी पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी एक संक्षिप्त तो चर्चा भी करेंगे कि हमको कहानी कैसे पढ़नी चाहिए मैं आपके सामने भीष्म साहनी की बहुत ही मशहूर कहानी चीफ की दावत पढ़ने जा रही हूं दीजिए शुरू करते हैं चीफ की दावत आज मिस्टर शामनाथ के घर चीफ की दावत थी शामनाथ और उसकी धर्म पत्नी को पसीना पोछने की फुर्सत ना थी पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए मुंह पर फैली हुई और पाउडर को मले और मिस्टर शामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे आखिर पांच बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी कुर्सिया मेज पिपाइया नैपकिन फूल सब बरामदे में पहुंच गए ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा तभी शामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई माँ का क्या होगा इस बात की ओर ना उनका और ना उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था मिस्टर शामनाथ श्रीमती को की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले मां का क्या होगा श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली इन्हें पिछवाड़े इनकी सहाली सहेली के घर भेज दो रात भर भेषक वहीं रहें कल आ जाए श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल पल सोचते रहे फिर सिर हिलाकर बोले नहीं मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहां फिर से शुरू हो पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था मां से कहें कि जल्दी ही खाना खाके शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए मेहमान कहीं आठ बजे आएंगे इससे पहले ही अपने काम से निबट लें। सुझाव ठीक था दोनों को पसंद आया मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी जी मैं सो गई हैं और नींद में खराटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर लें मैं बाहर से ताला लगा दूंगा ये मां को कह देता हूं कि अंदर जाकर सोए नहीं बैठी रहे और क्या और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले 11 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो शामनाथ कुछ खींच उठे हाथ झटकते हुए बोले अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी वाह 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 तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनू तुम जानो और वो जाने मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे ये मौका बहस का नहीं था समस्या का हल ढूंढने का था उन्होंने घूमकर कर माँ की कोठरी की ओर देखा कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले मैंने सोच लिया है और इन्हीं कदमों से माँ की कोठरी के बाहर जाकर खड़े हो गए माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है सारा काम सुबीते से चल जाए माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना मेहमान लोग साढ़े सात बजे आ जाएंगे माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा तुम तो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना अच्छा बेटा और माँ हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे उतनी देर तुम बरामदे में बैठना फिर जब हम यहां आ जाए तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना मां अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी फिर धीरे से बोली अच्छा बेटा और माँ आज जल्दी नहीं सो जाना तुम्हारे खराटों की आवाज दूर तक जाती है माँ लज्जित सी आवाज में बोली क्या करूं बेटा मेरे बस की बात नहीं है जब से बीमारी से उठी हूं नाक से सांस नहीं ले सकती मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया फिर भी उसकी उधेड़ खत्म नहीं हुई जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो मेहमान होंगे देसी, अफ, देसी अफसर उनकी स्त्रियां होंगी कोई भी गुसलखाने की तरफ जा सकता है क्षोभ और क्रोध में वो झुंझलाने लगा एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोला आओ मां इस पर जरा बैठो तो माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई यूं नहीं माँ टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते ये खाट नहीं है माँ ने टांगे नीचे उतार ली और खुदा के वास्ते नंगे पाओ मत घूमना ना ही वहां खड़ाऊ पहनकर सामने आना किसी दिन तुम्हारी ये खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा माँ चुप रही कपड़े कौन से पहनोगी मां जो है वही पहनूंगी बेटा जो कहो वही पहन लेती हूं। मिस्टर शामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे घर का सब संचालन अपने हाथ में था खूंटियां कमरों में कहाँ लगाई जाए बिस्तर कहाँ पर बिछे किस रंग के पर्दे लगाए जाएं? श्रीमती कौन सी साड़ी पहने? मेज किस साइज की हो? शामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया, तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़ जाए। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोला, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो। माँ पहन के आओ तो जरा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई ये माँ का झमेला ही रहेगा उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी पत्नी से कहा कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई चीफ को बुरा लग गया तो सारा मजा जाता रहेगा माँ सफेद कमीज और सलवान पहनकर बाहर निकली छोटा सा कद सफेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर धुंधली आंखें केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप गए थे पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी चलो ठीक है कोई चूड़िया वुड़िया हो तो पहन लो कोई हर्ज नहीं चूड़िया कहां से लाऊं बेटा तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए ये वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा तिनक कर बोला ये कौन सा राग छेड़ दिया सीधा कह दो नहीं है जेवर बस इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूं ना लंडूरा तो नहीं लौट आया जितना दिया था उससे दुगना ले आया मेरी जीव जल जाए बेटा तुमसे जेवर लूंगी मेरे मुंह से यूं ही निकल गया जो होते तो लाख बार पहनती साढ़े पांच बज चुके थे अभी मिस्टर शामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करने गए माँ रोज की तरह बन के नहीं बैठी रहना अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना मैं ना पढ़ी ना लिखी बेटा मैं क्या बात करूंगी तुम कह देना कि माँ अनपढ़ है तुम जान कुछ जानती समझती नहीं फिर वो कुछ नहीं पूछेगा सात बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वो क्या जवाब देंगी अंग्रेज को तो मैं दूरी... आ, अंग्रेज को तो दूर से ही देख घबरा उठती थी और ये चीफ तो अमरीकी है मालूम क्या पूछे मैं क्या कहूंगी माँ का जी चाहा कि चुपचाप विधवा सहेली के घर चली जाए मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी चुपचाप कुर्सी से टांगे लटकाए वहीं बैठी रही एक कामयाब पार्टी वो है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए शामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी वार्तालाप उसी रॉ में बह रहा था जिस रॉ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी कहीं कोई अड़चन न थी साहब को विस्की पसंद आई थी मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया कमरे की सजावट पसंद आई इससे बढ़कर क्या चाहिए साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकले और कहानियां कहने लग गए दफ्तर में जितना रौब रखते थे वहां पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे और उनकी पत्नी काला गाउन पहने गले में सफेद मोतियों का हार सेंट और पाउडर की महक से कमरे में बैठी सभी देशी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी बात-बात पर हंसती बात बात पर सिर हिलाती और शामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उसकी पुरानी सहेली हो इसी रॉ में पीते पिलाते साढ़े दस बज गए वक्त गुजरते पता ही नहीं चला आखिर सब लोग अपने अपने में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए पीछे चीफ और दूसरे मेहमान बरामदे में पहुंचते ही शामनाथ सहसा ठिठक गए जो दृश्य उन्होंने देखा उनकी आंखें लड़खड़ा गईं। और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यो की त्यों बैठी थी मगर दोनों पाओ कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह से लगातार गहरे खर्राटों की आवाजें आ रही थी जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खराटे और भी गहरे हो जाते और फिर जब झटके से नींद टूटती तो फिर दाएं से बाएं झूलने लगता पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे देखते ही शामनाथ क्रुद्ध हो उठे जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में धकेल दें। मगर ऐसा करना संभव नहीं था चीफ और बाकी मेहमान एकदम पास में खड़े थे माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ औरतें हंस और इतने में चीफ ने धीरे से कहा हड़बड़ा के उठ बैठी सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसे घबराई कि कुछ कहते ना बना झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थरथर कांपने लगी माँ तुम जाके सो जाओ तुम इतनी देर तक क्यों जाग रही हो और खिसियाई हुई नजरों से शामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगा चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोला नमस्ते मां ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था दूसरा बाहर ठीक तरह से नमस्ते भी ना कर पाई श्यामनाथ इस पर भी खिन्न हो गए इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ हाथ मिलाने के लिए मां के आगे किया मां और घबरा गई मां हाथ मिलाओ पर हाथ कैसे मिलाती दाएं हाथ में तो माला थी घबराहट में मां ने बायां हाथ ही साहब के हाथ के आगे कर दिया श्यामनाथ दिल ही दिल में जल उठा देसी अफसरों की औरतें खिलखिलाकर हंसने लग पड़ी यूं नहीं मां तुम तो जानती हो कि दाएं हाथ से हेलो की जाती है दाया हाथ मिलाओ मगर तब तक चीफ माँ का बाया हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे हाउ डू यू डू कहो माँ मैं ठीक हूँ खैरियत से हूं माँ कुछ बड़बड़ाई माँ कहती है मैं ठीक हूं कहो माँ डू यू डू माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली डू एक बार फिर कह कहा उठा वातावरण हल्का होने लगा साहब ने स्थिति संभाल ली थी लोग हंसने चहकने लगे श्यामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अभी भी पकड़े हुए था और माँ सिकुड़ी जा रही थी साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी श्यामनाथ अंग्रेजी में बोले कि मेरी माँ गांव की रहने वाली है उभर क... उम... उम्र भर गांव में रही है इसलिए आपसे लजाती है साहब इस पर खुश नजर आए बोले सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी चीफ खुशी से सर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांध देखने लगे माँ साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ कोई पुराना गीत तुम्हें तो कितने याद होंगे माँ धीरे से बोली बेटा अब मैं क्या गाऊंगी और मैंने कब गाया है भला वाह मां मेहमान की कहीं भी कोई टालता है साहब ने इतना रीझ के कहा नहीं गाऊंगी तो साहब बुरा मान जाएंगे मैं क्या गाऊं बेटा मुझे क्या आता है वाह कोई बढ़िया टप्पे सुना दो दो पत्थर अनारा दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे की ओर देखती कभी पास खड़ी बहू की तरफ इतने में बेटे ने गंभीर आदेश दिया भरे लिहाज से कहा मां इसके बाद हां या ना का सवाल ही नहीं उठता था मां बैठ गई और क्षीण दुर्बल लरजती हुई आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी हरिये नीस परिए खजूरे हरे आते पागी परे आनी देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी तीन पंक्तियां गाकर माचुप हो गई बरामदा तालियों से गूंज उठा साहब तालियां पीटना बंद ही नहीं कर रहे थे शामनाथ की खींच अब खुशी और गर्व में बदल गई माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था तालियां थमने पर साहब बोले पंजाब के गाँव की दस्तकारी क्या है शामनाथ खुशी में झूम रहे थे ओ बहुत कुछ साहब बहुत कुछ मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा आप उन्हें देखकर खुश हो जाएंगे मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछ लिया अरे नहीं मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता पंजाबियों के घरों में क्या बनता है भाई औरतें खुद क्या बनाती हैं शामनाथ कुछ सोचते हुए बोलते गुड़िया बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी क्या शामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल कोशिश करने के बाद माँ को बोले क्यों माँ हमारे घर में कोई फुलकारी है क्या माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुर, पुरानी फुलकारी उठा लाई साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे पुरानी फुलकारी थी जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा भी फटने लगा था साहब की रुचि को देखकर शामनाथ बोले ये फटी हुई है साहब मैं आपको नहीं बनवा दूंगा माँ बना देंगी क्यों माँ साहब को फुलकारी बहुत पसंद है इन्हें ऐसी ही फुलकारी बना दोगी माँ चुप रही फिर डरते डरते धीरे से बोली अब मेरी नजर कहाँ है बेटा बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए शामनाथ साहब को बोले आप निश्चिंत रहिए मां बना देंगी और आप उसे देखकर खुश हो जाएंगे साहब ने सिर हिलाया धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए जब मेहमान बैठ गए और माँ से सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में जाने लगी मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे वो दुपट्टे से बार बार उन्हें पहुंचती बार बार लेकिन आंसू फिर से उमड़ पड़ते जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों मां ने दिल को बहुत समझाया हाथ जोड़े भगवान का नाम लिया बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की बार बार आंखें बंद की मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही नहीं आ रहे थे आधी रात का वक्त होगा मेहमान खाना खाकर जा चुके थे माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी घर के वातावरण में तनाव घिला पड़ चुका था मोहल्ले की निस्तब्धता श्यामनाथ के घर बिछा चुकी थी केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज आ रही थी तभी सहसा मां की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा मां दरवाजा खोलो माँ का दिल बैठ गया वह हड़बड़ा कर उठ बैठी क्या मुझसे फिर से कोई भूल हो गई माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई क्यों वह ऊँघने लगी थी क्या बेटे ने अभी तक मुझे माफ नहीं किया होगा माँ उठी और कामते हाथों से दरवाजा खोला दरवाजे खुलते ही शामनाथ झूमते हुए आगे बढ़े और माँ को आलिंगन में भर लिया ओ अम्मी तुमने तो आज पार्टी में रंग ला दिया साहब तुमसे इतना खुश हुआ क्या कहूं ओ अम्मी ओ अम्मी मां की छोटी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए उन्हें पोषती हुई धीरे से बोली बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो मैं कब से कह रही हूं शामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट गई क्या कहा माँ ये कौन सा राग तुमने फिर से छेड़ लिया श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था बोलते गए तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ना ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता अरे नहीं बेटा अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो मैं अपना खा पहन लिया अब यहाँ क्या करूंगी जो थोड़े दिन की जिंदगानी बाकी है भगवान का नाम लूंगी तो तुम मुझे हरिद्वार भेज दो तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है मे मेरी अब आंखें नहीं है बेटा, जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो बनी बनाई ले लो मां तुम मुझे धोखा दे के यूं चली जाओगी मेरा बना बनाया बनता बनता काम बिगाड़ दोगी जानती नहीं साहब खुश हुआ तो मुझे तरक्की मिलेगी माँ चुप हो गई फिर बेटे के मुंह की ओर देखते हुए बोली क्या तेरी तरक्की होगी क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा क्या उसने तुझसे कुछ कहा है कहा तो नहीं मगर देखती ने वो कितना खुश होकर गया है कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊंगा कि फुलकारी कैसे बनती है जो साहब खुश हो गया तो मुझसे मुझे इससे भी बड़ी नौकरी मिल सकती है मैं बड़ा अफसर बन सकता हूं माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा धीरे धीरे उसका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा और आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी तो तेरी तरक्की होगी बेटा तरक्की तो यूं ही हो जाएगी जो मैं कुछ करूंगा वरना उसकी खिदमत करने वाले और बहुत लोग हैं तो मैं बना दूंगी बेटा जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी और माँ दिल ही दिल में फिर से बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करती करने लगी और मिस्टर श्यामनाथ अब सो जाओ माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए तो प्यारे दोस्तों अ ये भीष्म साहनी की कहानी थी चीफ की दावत आप आप ने कहानी सुनी ही है तो आप जान सकते हैं कि भीष्म साहनी की भाषा भीष्म साहनी की शैली और भीष्म का कितना रोचक है। लेकिन ये कहानी अपने कथ्य में जितनी रोचक है इसको इसकी इसी इसकी उस हल्केपन के नीचे एक गहरी त्रासदी है भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों की दिखावे की और आडम्बर करने की जो त्रासदी भी है वो इस कहानी में बहुत ही अच्छी तरह से भीष्म साहनी ने उसको रेखांकित किया है प्यारे विद्यार्थियों हम जब भी कोई साहित्य पढ़ते हैं बल्कि साहित्य ही क्यों हम जीवन में जो कुछ देखते हैं हमें उसके गहरे आशयों को उसके अभिप्राय को समझने की कोशिश करनी चाहिए अब आप देखिए चीफ की दावत में जितने भी पात्र हैं जो कैरेक्टर्स हैं आप उन सबके साथ रिलेट कर सकते हैं और एक एक कहानी भी एक अच्छी कहानी भी हमें समाज को समझने की दृष्टि देती है अगर इसमें आप देखिए कि कहानी में जो अगर जेंडर के लिहाज से मान लीजिए इस कहानी को हम देखें कि जेंडर रिलेशंस क्या होते हैं तो इसमें आप देखिए कि इस कहानी में आपको दो पावरफुल मैन नजर आएंगे एक मिस्टर श्यामनाथ और एक उसका अफसर पूरे कहानी में स्त्रियां मौन है स्त्रियों के पास कोई पावर नहीं है और जो सारी पावर है वो पुरुषों के पास है जो दफ्तर का पुरुष है वो नौकरियां देने के लिए तरक्की करने के लिए है और जो घर का पुरुष है वो आपको घर में और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए है लेकिन क्या उस घर में या उस दफ्तर में स्त्रियों की पार्टिसिपेशन नहीं है तो आप देखिए कि जबकि ये कहानी आज से भी बहुत साल पुरानी है लेकिन अगर आप गौर से देखें तो हमारी सोसाइटी में जेंडर रिलेशंस आज भी इसी तरह के हैं और एक तो ये है कि आप देखिए कि सारी जो हुक्म है सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है पावर और अथॉरिटी का जो सारा केंद्र है जो सारा सेंटर है, वो वो पुरुषों के पास है और स्त्रियां केवल उनकी बताई हुई बातों उनकी दी हुई इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करती हैं। और जो मैन है वो उस पावर को एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखिए कि जो दिखने में एकदम इनोकूअस हार्मलेस कहानी लगती है भारत के एक मिडिल क्लास के परिवार की जिसके साथ आप बहुत क्लोजली रिलेट कर सकते हैं लेकिन वो भी पर्याप्त है अगर आप हमारी सोसाइटी के जेंडर रिलेशंस को और जेंडर की पावर स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बेशक ये कहानी दोबारा पढ़िए और उसमें देखिए कि इसमें विमेन कैरेक्टर्स किस तरह से आई हैं विमेन की क्या इमेजेस हैं विमेन के विमेन विमेन के क्या फियर्स हैं तो एक तो इसका यह स्तर है जिस पर मैं चाहूंगी कि आप लोग ध्यान दीजिए और पर्टिकुलरली गवर्नमेंट कॉलेज 42 तो गर्ल्स का कॉलेज है तो जाहिर है कि कहानी को सुनने वाले ज्यादा लोग भी आई बिलीव कि लड़कियां होंगी स्त्रियां होंगी तो आप इस कहानी में जो स्त्री की भूमिकाएं हैं उसके रेफरेंस से अपने जीवन और अपने आसपास की स्त्रियों की उनके जीवन में क्या भूमिका है उसका भी एक इवैल्यूएशन कीजिए दूसरा ये है कि आप देखो कि माँ का जो कैरेक्टर है हमारे समाज में एजिंग को लेकर आज भी हमारे दिल में एक्सेप्टेंस नहीं है मतलब हम कहीं ना कहीं एक बहुत ही किस्म का का समाज बन गए हैं कि कि हमारे जीवन का मतलब है कि हम कमाएं जब तक हम कमा सके, जब तक हम घर की देखभाल कर सकें जब तक हम किसी के काम आ सके लेकिन क्या मनुष्य का जीवन बायोलॉजिकली ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा ही उसी तरीके से प्रोडक्टिव रहें उसी तरीके से पैसा कमाने के केपेबल रहें तो और जबकि हम ये भी जानते हैं कि बुढ़ापा कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो उस पर आया है और मुझ पर नहीं आएगा जो माँ पर आया है और पिता पर नहीं आएगा जो पत्नी पर आया है तो मुझ पर नहीं आएगा लेकिन आप देखिए कि हमने अपनी सोसाइटी में अभी तक भी एजिंग को, को लेकर अपनी एक सहमति और एक मेचोरिटी नहीं बनाई है सो अक्सर ही घरों में बुजुर्गों की एजड लोगों की जो जगह होती है या जो उनकी आइडेंटिटी का क्राइसिस होता है वो युवा लोग जवान लोग जो उस समय जीवन में बहुत सक्रिय होते हैं और इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं वो बड़ी अनदेखी उनकी कर देते हैं जबकि आप देखो कि एजिंग एक नेचुरल फिनमिना है और जिसमें हम सब हम सब इन्वॉल्व होंगे किसी ना किसी दिन और एजिंग में भी अगर आप देखें तो विमेन की एजिंग को लेकर हमारी सोसाइटी में और ज्यादा अनवेलकम एटीट्यूड है मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि इस कहानी में श्यामनाथ की माँ जितनी उपेक्षित है वो जितनी निगलेक्टेड और इग्नोर्ड है अगर ये उसका बाप होता हो सकता है वो भी इग्नोर्ड होता हमने इस तरह के भी बहुत सारे परिवार बहुत सारा साहित्य पड़ा है जहां पर ससुर या पिता या इस तरीके से अकेले रह चुके भाई लोग भी इस तरह से अपने परिवार वालों की अनदेखी को की वजह से सफर करते हैं लेकिन फिर भी अगर आप अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि एक स्त्री की एजिंग और खास तौर पर जब वो एक विडो हो तो वो और भी ज्यादा मिजरेबल होती है यानी उसका खाना पीना उसका रहना सहना उसके जीवन की इच्छाएं उस पूरी घर की उस पूरे हाउस होल्ड में वो कहीं पर भी उसकी सेंट्रल जगह नहीं होती तो इस कहानी का जो उद्देश्य है इस कहानी में भाषा का रोचक होना डायलॉग्स का बहुत ही तरल होना भाषा का सादा लेकिन फिर भी आ, क्रिस्प होना अच्छा है लेकिन उसी के साथ साथ देखिए उसका जो कंटेंट है उसका जो प्लॉट है वो एक ऐसी कहानी है जो शायद भारत के करोड़ों घरों की कहानी है सो so, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप कहानी तो सुनिए ही लेकिन उसके साथ साथ इन प्रश्नों पर भी रिफ्लेक्ट कीजिए क्योंकि आपको अपनी अपने जीवन की जो धारणाएं जो आइडियाज जो थॉट प्रोसेसेस अभी आपको डेवलप करने हैं वही सारी जिंदगी आपके सोशल और फिलियल रिलेशनशिप्स को भी गाइड करेंगे तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर तो पर प्रीति का शुक्रिया जिसने मुझको ये मौका दिया कि मैं आप सबके सामने भीष्म सहानी की कहानी पढ़ सकूं और उस पर एक छोटी सी कॉमेंट्री भी कर सकूं सो थैंक यू